बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश के सोलन से। सोलन के बद्दी इलाके में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से यहां पर बालद नदी पर मौजूद पुल पूरी तरह से धंस गया है। बताया जा रहा है कि सुबह सुबह नदी में आए तेज बहाव की वजह से बद्दी पुल टूट गया है, जिसके बाद हरियाणा की ओर से पैदल आवाजाही यहाँ पर पूरी तरह से बंद हो गई है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये बद्दी की तस्वीरें हैं कुछ दिन पहले ही, क्योंकि लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, इसमें दरारें आ गई थी। अब ये पूरी तरह से ये जो पुल है वो टूट गया है, बाढ़ की वजह से, तेज बहाव की वजह से ये पुल टूट चुका है। अब यहाँ पर जिस तरीके से हरियाणा से जो लोग आते हैं उन्हें पैदल ही अपनी यात्रा पूरी करनी पड़ रही है। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार बाढ़ बारिश का कहर जारी है। ऐसे में आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये खौफनाक तस्वीरें बद्दी पुल की हैं। इससे पहले लगातार मूसलाधार बारिश यहां पर हो रही थी, पुल धंसने की तस्वीरें भी लगातार सामने आई थी, लेकिन आज देखिए कि किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह ये पूरा पुल जो है वो धराशाही हो गया है। अब जानकारी मिल पा रही है कि संपर्क पूरी तरह से हरियाणा वासियों का टूट गया है। अब पैदल ही यहाँ पर लोगों को आवाजाही करनी पड़ रही है, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से मौसम का सितम हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में कई दिनों से लगातार जारी है। कल और आज भी अलर्ट जारी किया गया है, हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में इस तरीके की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो दिल्ली में भीषण सड़क हादसा हो गया, एक सफेद रंग की ओवर स्पीड कार मयूर विहार फेज 1 फ्लाईओवर पर पलट गई, जिसके बाद वहां पर जाम लग गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से कार को किनारे करवाया और जाम को खुलवाया गया। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए, सड़क पर खून के धब्बे भी पड़े हुए थे। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए। बताया गया कि कार की रफ्तार तेज थी, जिसकी वजह से वो अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर पर पलट गई। फिलहाल पुलिस हादसे की वजह तलाशने